बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। भैया ओ भैया मजदूर भैया हम तो बनल किसान की। शहर में बहुत ही आराम है, हमको तो बहुत ही पहले आ जाना। मैं पखाना कहाँ जाते हैं? प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसहर लड़की बुधनी का नाम दिया है। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गाँव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करते हैं। लोग कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है, हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। एक सांसद के घर के बाहर कुछ लोगों ने शौच कर दिया, उसे शौचालय मान लिया। बुधनी इज क्रिएटिंग अ मूवमेंट फॉर राइट टू टॉयलेट। मुसहर जाति समाज में हाशिए पर पड़ा आखिरी तबका। इस तरह के प्रदर्शन से आप क्या साबित करना चाहती हैं? हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब से ब्याह किए हैं हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गया। रेल के जाते थे गाँव याद आता है। कैसा लग रहा है? तुमको पढ़ाई करना है या नहीं करना? अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। कहते हैं सच्चा प्रेम रुस्वा नहीं होता। ऐसे काम धंधा छोड़ के हमको कहाँ निहारते रहते हो? क्या रे सुगना, सब ठीक है? कह रहा है कि बौरिया स्कूल जाएगी पढ़ने। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बुधनी। बुधनी तुम पहले मुसहर हो जो इस जिला में फर्स्ट किया। सुना है कि भौजी मटकी में पखाना जाते हैं। रजबे करते हैं आप, अब आप अछूत सबसे पैर दबाना शुरू कर दीजिए। नेवार मुखिया मुसहर बनेगा। पहली बार मुसहर टोली में जलवा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। रे भायनी आप लगाए पहरेदारी, रे सैया सरकारी हो गए। बाबू से मुंह लड़ाई? को का लग रहा है हम सब लोग यहाँ ये बेकार का रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे हैं? कलेक्टर का पूरा पैसा खा गया तुम? बाबू के बरियाती के लिए पैसा मिला था क्या रे तुमको? गांव में सब कितना खुला खुला था, शहर में आके जिंदगी सिकुड़ गया है।